संकीर्तन की ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के छठे सत्वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। महर्षया सप्ता पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोका महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। इन कुछ श्लोकों में चौथे पांचवें और छठे भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। चौथे श्लोक में भगवान ने 20 भावनाओं के बारे में बुद्धिर ज्ञान असम्मोह ऐसे, फिर इस छठे श्लोक में भगवान बताते हैं महर्षया यानी महर्षिगण प्रमुख 7 महर्षि हैं, सप्तऋषि भी कहते हैं, जो रात में आप देख सकते हो आसमान में, वशिष्ठ मरीचि पुलह पुलस्त्य वैसे ही क्रतु भृगु और अत्रि सप्तर्षि कहे जाते हैं। तो महर्षया सप्त कितने हुए 7 पूर्वे यानी उनके पूर्व उनसे पहले चत्वारो और 4 महर्षि हुए कौन से चतुष्कुमार ये ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे जाते हैं सनक कुमार सनत कुमार सनंदन और सनातन यानी कि ये जो 7 महर्षि हैं सप्तर्षि हैं इनसे भी पहले आए थे ये चतुष्कुमार मनवस्तथा यानी कि मनुगण ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। अभी कौन से मनु हैं वैवस्वत मनु ये मनवंतर 7वां मनवंतर है और एक एक मनवंतर में एक एक मनु प्रथम मनु का नाम क्या है स्वयंभू मनु वैसे ही दूसरे मनु का नाम क्या है स्वरोचिस मनु तीसरे मनु का नाम है उत्तम मनु वैसे रैवत मनु चक्षुष मनु
सातवां वैवस्वत मनु, सावर्णी मनु, दक्ष सावर्णी मनु, ब्रह्म सावर्णी मनु, धर्म सावर्णी मनु, वैसे ही फिर सावर्णी जिन्हें रुद्रपुत्र कहते हैं, फिर देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी, ये 14 मनु हैं। तो 14 मनु और 4 कुमार 18 और 7 सप्तर्षि कितने हो गए 25। तो भगवान कहते हैं कि मदभावा मानसा जाता, मदभावा यानी मुझसे उत्पन्न हुए हैं, मानसा जाता मन से उत्पन्न हुए, जाता यानी जन्म लिए हैं, यानी भगवान ने इन 25 कह सकते हैं विभूतियों की सृष्टि अपने मन से की। और ये साम लोक इमा प्रजा, और इन लोगों ने मिलकर इस लोक में अन्य प्रजापतियों की सृष्टि की, और इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में, जैसे कि असंख्य ब्रह्मांड है और एक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं, और एक एक लोक में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, तो नाना प्रकार के जो जीव जंतु हैं ये सब इन्हीं प्रजापतियों से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन मूल में कारण कौन है, भगवान कारण है। तो ब्रह्मा जी को पितामह कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी से इस एक ब्रह्मांड में जो भी सृष्टि होती है वो ब्रह्मा जी करते हैं, लेकिन उस ब्रह्मांड की सृष्टि और स्वयं ब्रह्मा जी की सृष्टि भगवान करते हैं, इसलिए भगवान को कहते हैं प्रपितामह। तो इस श्लोक के आगे भगवान बताते हैं कि इन विभूतियों को जानने का फल क्या है, क्यों जाने, सातवें अध्याय में, नौवें अध्याय में, इस दसवें अध्याय में भगवान अपनी कई विभूतियों का वर्णन करते हैं। विभूति कहते हैं ऐश्वर्य, भगवान के भीतर एक विलक्षण प्रभाव है। तो ऐसे विभूतियों को जानने से क्या लाभ है, उसके बारे में अगले श्लोक में भगवान कहते हैं एताम विभूतिम योगम च, मम यो वेति तत्वता सोविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया। विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्वता सोविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया। एताम विभूतिम योगम च, एताम यानी कि ये सब विभूतियाँ, यानी अभी जो चौथे पांचवे और छठे श्लोक में जो भगवान ने वर्णन की, विभूतिम योगम च, यानी कोई व्यक्ति जो इन विभूतियों को साथ ही साथ भक्ति योग को, ममयो वेति तत्वतः, मम यानी भगवान करे मेरी विभूतियों को, जो व्यक्ति तत्वतः जानता है कि ये विभूतियाँ कैसे भगवान की एक प्रकार से शक्ति का प्रकाश है, जैसे कि भगवान आगे कहेंगे कि यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तत् एव गच्छत्वम मम तेज अंश संभवम, भगवान के तेज से एक अंश से ये सारी विभूतियाँ प्रकट होती हैं, यानी संसार में कहीं भी कुछ अद्भुत अलौकिक विलक्षण चीज़ें दिखाई देती हैं, यूनिक चीज़, तो समझना चाहिए इसमें भगवान की कृपा है, भगवान की शक्ति का प्रकाश है। तो मम यो वेति तत्वता, तत्वता का अर्थ है कि यह ठीक ठीक जानना कि कोई भी संसार में जो विलक्षण गुण है वो भगवान से पृथक नहीं है, बल्कि भगवान की ही शक्ति है। इसलिए नवे अध्याय में भगवान ने कहा था पश्य मे योगम ऐश्वरम, मेरे योग और ऐश्वर्य को देखो। सामान्यतः व्यक्ति यदि कुछ मानो कोई बहुत ज्ञानी है, तो यदि उसके भीतर ज्ञान है तो ज्ञान कहाँ से आया है, सातवें अध्याय में भगवान ने क्या कहा, ज्ञानम ज्ञान मुझसे आया है, तेजस तेजस्वी नाम हम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, मैं बुद्धिमानों का मैं बुद्धि हूँ, मैं बलवानों का बल हूँ, बलम बलवताम चाहम। तो हमें केवल इस संसार की सुंदरता को नहीं देखनी है, बल्कि उस सुंदरता के पीछे जो परम सुंदर है, जिनके कारण कोई वस्तु सुंदर दिख रही है, कोई व्यक्ति बुद्धिमान प्रतीत हो रहा है, कोई व्यक्ति बहुत बलशाली प्रतीत हो रहा है, जैसे मानो यदि उस व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकल जाए तो चाहे कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कोई उसके निकट जाएगा क्यों दीपक,
कोई व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, यदि उसके शरीर से आत्मा निकल जाए, कोई उससे सवाल जवाब करेगा? यानी कि एक कृष्ण का एक अंश है आत्मा, ममई वांस। तो चूंकि शरीर में कृष्ण अंश उपस्थित है और साथ में भगवान परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं, इसी यही कारण है कि कई प्रकार के विलक्षण गुण दिखाई देते हैं। तो जिस व्यक्ति की जो दृष्टि है पैनी होती है, गहरी होती है, वो केवल इस संसार के सुंदरता को नहीं देखता, बल्कि सुंदरता के पीछे जिसके कारण इस संसार में सुंदरता है, बुद्धिमान है कोई, कोई व्यक्ति बलशाली है और कोई अन्य विलक्षण गुण है, उसे देख लेता है, तो कहते हैं वह व्यक्ति तत्वतः देख रहा है। तो ममयो वेति तत्वतः। तो लाभ क्या है? सो विकम्पेन योगेन, यानी इस प्रकार से वह व्यक्ति अभिकम्पेन, अभिकम्पेन यानी बिना किसी कंपन के अभिचल भक्ति को प्राप्त करता है, यानी कि उसकी भक्ति फिर डमाडोल नहीं होती। युज्यते नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि ऐसा व्यक्ति भगवत भक्ति पाकर अपने जीवन को सफल बनाएगा। यानी जो व्यक्ति मेरी इन विभूतियों को, भगवान कहते हैं, तत्वतः जानता है, वह अभिचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, और अभिचल भक्ति योग से युक्त होने का क्या परिणाम है? तो भगवान के धाम जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। युज्यते नात्र संशय। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि लोग प्रचारित करते हैं गॉड इज ग्रेट, पर लोग पता नहीं भगवान कितने महान हैं। लोग कहते तो अवश्य हैं कि भगवान महान है, पर भगवान की महानता सच्चे अर्थों में बहुत कम लोगों को पता है। जैसे एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान करते हैं, फिर अभी हमने देखा कि ब्रह्मा जी से जो गौण सृष्टि है, सेकेंडरी क्रिएशन है, जिससे सप्त ऋषि बनते हैं, फिर चार कुमार आते हैं, यूं कहें कि पहले चार कुमार आते हैं, फिर सात ऋषि बनते हैं, फिर 14 मनु बनते हैं, फिर प्रजापतियों की सृष्टि होती है, फिर एक ब्रह्मांड में कई असंख्य प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती है। तो ये भगवान की एक प्रकार से विभूति, एक महानता है। यही नहीं, भगवान सभी जीवों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं केवल सृष्टि करके छोड़ दिया, भगवान पालन कर रहे हैं। एक व्यक्ति की कितनी आवश्यकताएं हैं आप देखना, विचार करना, सुबह से लेकर रात तक कितनी सारी आवश्यकताएं हैं। और आज पूरे पृथ्वी पर 800-900 करोड़ लोग हैं, ये तो केवल मनुष्यों की इतनी आवश्यकताएं हैं। कितने प्रकार के पशु पक्षी, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, इन सभी की ये जो आवश्यकताएं हैं कौन पूरी कर रहा है? भगवान पूरी कर रहे हैं। तो भगवान इतने महान हैं कि केवल भगवान के बारे में महानता का वर्णन करें तो कहते हैं कि अनंत शेष, अपने अनंत फणों से भगवान की महिमा गायन करें अनंत वर्षों तक, फिर भी वे समाप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमें भगवान के महानता जानना परम आवश्यक है, ताकि हम भगवान के प्रति शरणागत हों। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान की महानता से अवगत होता है, तो फिर शरणागत होने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं रहता। तो संसार का कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन क्या गोवर्धन पर्वत तो दूर की बात है, इस टेबल को भी नहीं उठा सकता अपने छोटी उंगली पे। तो जैसे ही हमें भगवान के योग और ऐश्वर्य का ज्ञान होता है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, भगवान के प्रति सरेंडर। तो कोई यह पूछे कि ठीक है, भगवान की विभूति को तत्वतः जान लेता है, तो कुछ लक्षण होंगे उसके, क्या करता क्या है वो तत्वतः जान लेने के बाद? तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। भगवान को तत्वतः जानने का अर्थ है अहम सर्वस्य प्रभव। अहम भगवान अपने बारे में कहते हैं, सर्वस्य यानी कि सभी प्रकार से, जड़ चेतन स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं, चाहे भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक लोक हो, अहम सर्वस्य प्रभव, प्रभव यानी कि उत्पत्ति का कारण हूँ मैं, मुझसे उत्पन्न हुए हैं।
मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मत्ता यानी मुझसे ही सर्वम यानी वही सब कुछ प्रवर्तते यानी क्रियाशील है। इस सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान से स्वतंत्र है। मैंने कल भी बताया कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई प्राणी नहीं है, कुछ कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो भगवान के अधीनता में न हो। हर वस्तुएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के नियंत्रण में है। तो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, चाहे सृष्टि हो रही हो, चाहे उसकी स्थिति बनी हुई हो, चाहे प्रलय हो, ये सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। इति मत्वा भजन्ते मां, इति मत्वा यानी ऐसा मानकर, कैसा मानकर कि भगवान अनादिम है, भगवान अजम है, भगवान लोक महेश्वरम है, भगवान ही जीवों की सृष्टि करने वाले हैं, उनका पालन करने वाले हैं, उनका संहार करने वाले हैं, समस्त प्रकार की जो भावनाएं हैं वो भी भगवान से उद्भूत होती हैं, भगवान भौतिक एवं आध्यात्मिक लोगों के मूल कारण हैं, जो चार कुमार हैं, सात ऋषि हैं, 14 मनु हैं, ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मांड है, ये सबके मूल कारण कौन है? भगवान है। जब इति मत्वा ऐसा समझकर क्या करेगा व्यक्ति? भजन्ते मां, फिर भगवान का भजन करेगा। लेकिन कैसे भजन करेगा? केवल संडे संडे और केवल एकादशी एकादशी? भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धा भाव समन्विता, समन्विता यानी होल हार्टेडली, पूरी भावना से, प्रेम पूर्ण भाव से भगवान का फिर भजन करता है, यानी भगवान की ओर उन्मुख होता है, उसका चित्त भगवान की ओर खिंच जाता है। अरे भगवान इतने महान हैं, भगवान हम सभी से प्रेम करते हैं, भगवान उसे प्यारे लगने लगते हैं, यानी भगवान की भक्ति में तल्लीनता आ जाती है। फिर उसके लिए जप करना, कीर्तन करना, कथा करना, श्रवण करना, ये क्या उत्सव बन जाता है। जैसे हम संसार में जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, उस व्यक्ति से बातें करना चाहते हैं, उस व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हैं, उससे उसके बारे में सुनते हैं, लेकिन संसार में यदि हमारी चेतना फंसी रहेगी तो केवल दुख और विषाद प्राप्त होगा, क्योंकि हम क्या हैं? शरीर नहीं है, हम हैं आत्मा, कृष्ण के अंश हैं। तो कृष्ण के अंश होने के कारण हमें भगवान के प्रति आकृष्ट होना चाहिए, भगवान को हमें महत्व देना चाहिए, लेकिन माया के प्रभाव के कारण हमारे भजन में क्या भी शिथिलता आ गई है। तो यदि कोई व्यक्ति तत्वतः भगवान को समझ लेता है तो भजन करता है। अब भजन कैसे करता है उसकी चर्चा आगे की गई है, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। शील प्रभुपाद की जय।